तो भाई आज हमारे साथ आ चुका है जावा 42। तो ये वर्जन 1 है, तो इसका वर्जन 2 भी आ चुका है, तो करते हैं इसका रिव्यू। तो इसका एक्सशोरूम प्राइस बता देता हूँ, इसका एक्सशोरूम प्राइस है 1.99 और ऑन रोड पड़ जाती है 250 की। मतलब यहाँ पे पंजाब एरिया है, यहाँ पे 250 की पड़ जाती है, बाकी सिटी टू सिटी डिपेंड कर रहा है कि कितने की पड़ती है। तो करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले हमें ये जो वर्ज़न 2 है इसमें LED मिल जाती है, तो ये वर्ज़न 1 है, इसमें मिलती है हेलोजन। तो भाई ने यहाँ पे चेंज कराई है इसको, मतलब चेंज करा के LED में करा दिया है, वरना आती हेलोजन है इसमें। इसका जो इंजन है वो है 294.7 लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है इसका। हमें इसमें जो मडगार्ड मिलता है ये मिल जाता है मेटल का, ये देखो, वरना जैसे मेरी MT है इस सब में ये इतना ऐसा नहीं मिलता, ये देखो इसमें फाइबर का है, आप डिफरेंस पता कर सकते हो, देखो इसमें आवाज़ कैसी आती है। बाकी इसमें डुअल एग्जॉस्ट मिल जाता है, इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूँ मैं। तो मैं भाई आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ऐसा कुछ इसका एग्जॉस्ट नॉट है। बाकी आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर है, जो इसमें आपको मिल जाता है, स्पीड मिल जाती है, स्पीड इंडिकेटर है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 भी मिल जाती है कि कितने किलोमीटर चली है सब। और इसमें गियर भी है कि कितने कौन सा गियर में बाइक चल रही है। बाकी ये टाइम है, यहाँ पे आपको फ्यूल का मिल जाता है, और यहाँ पे साइड स्टैंड का भी, स्टैंड लगाया कि नहीं। बाकी इसमें कट ऑफ सेंसर भी आता है कि अगर स्टैंड लगा के आप चलाना चाहो तो बाइक नहीं चलेगी। बाकी यहाँ पे इसके बटन वगैरह आ जाते हैं, इसका जो क्लस्टर है जो ये सब इस चेंज होता है इससे, तो मैं करूँगा नहीं। बाकी इसमें आपको ये हैज़र्ड लाइट भी मिल जाती है ये ऑन करने से, इसकी 4 इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं, देखो। बाकी इसका जो वर्ज़न 2 आया है अभी, उसमें मैंने सुना है कि इसका जो वर्ज़न 2 आया है उसमें सुना है कि यहाँ पे जो पैर टच हो जाते हैं तो यहाँ पे एक अलग से आता है, पता नहीं इस साइड आता है उस साइड आता है, जिससे हमारा पैर इंजन पे ना टच हो, तो ये काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो ये वर्जन 1 है, इसमें वो सब ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी इसकी सीट भी यार काफ़ी कंफर्टेबल है मेरी MT के हिसाब से। तो मैं एज अ मतलब स्पोर्ट्स बाइक ऑनर हूँ और ये थोड़ी टूरिंग बाइक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा इसको चला के, क्योंकि मेरी वाली में तो बहुत अनकम्फर्टेबल है इसकी। तो देखो सीट भी इतनी कम्फर्टेबल नहीं है जितनी इसकी जावा की है। तो मैंने सुना है कि इसका जो वर्ज़न 2 आया है उसमें ये सीट है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है और ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है। तो यही है यार, बाकी इसके पीछे का मडगार्ड है जो ये भी मेटल का आता है, आप देख सकते हो बाइक की लुक काफ़ी अच्छी आ रही है यार, ये देखो। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी ब्रेकिंग की। भाई इसमें जो मिलती है हमें डुअल डिस्क मिलती है, और ये डुअल चैनल ABS है, दोनों साइड ABS है। बाकी चला के देखूंगा तो बताऊंगा कि बाइक में मतलब ब्रेक कौन सी अच्छी है, क्योंकि डुअल डिस्क MT में भी है, पर इसकी जो पिछली ब्रेक है वो बहुत बेकार है और इसकी अगली सही है। तो मुझे क्यों तोड़ा, जावा में देखते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि इसकी दोनों ब्रेकें अच्छी हैं, तो चलाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इसकी ब्रेकिंग कैसी है। बाकी इसका कई लोगों को नहीं पता, तो यहाँ पे है इसका वो चाबी लगाने वाला निचली साइड में। तो भाई चलाते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है। स्टैंड इन चक्या प्रो राइडर। बाकी इसकी पावर बहुत ज़्यादा है यार, मेरे तो हाथ से निकल रही है, मुझे आदत नहीं है ना, मैं लोअर CC चलाता हूँ, तो मैं धीरे ही चला रहा हूँ इसे, क्योंकि एकदम से ऐसे आगे को बढ़ रही है भाई, वैसे पावर काफ़ी ज़्यादा ही हो। तो ट्राई कर रहा हूँ मैं धीरे ही चलाऊँ। बाकी यार इसके सीटिंग पोस्चर है जो, वो बड़ा सही है, इसमें बंदा बिल्कुल नहीं थकेगा, और दो बंदे बैठे हैं बिल्कुल कम्फर्टेबली बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बस कि इसका वेट थोड़ा मेरी बाइक से ज़्यादा है। बाकी इसके DV कलर नहीं निकले हुए, निकल आने भी नहीं चाहिए भाई, एग्जॉस्ट भी नहीं लगाना चाहिए, मेरी बाइक में लगा हुआ है। खैर हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बाकी यार बहुत कंफर्टेबल है यार ये बाइक, मतलब मज़ा आ रहा है पूरा चलाने में, और सीट भी बहुत कंफर्टेबल है। बाकी पोस्चर भी सही है, देखो बिल्कुल कहीं भी प्रेशर नहीं आ रहा, जैसे MT वगैरह में, MT में भी नहीं आता वैसे, आर 5 है वैसे ही उनमें काफ़ी प्रेशर आता है, तो उस हिसाब से कंफर्ट में तो यार कोई जवाब नहीं है इस बाइक का। बाकी यार लुक भी बड़ी तगड़ी लग रही है। बाकी इसका एक और मॉडल आता है जिसमें आपको सिंगल सिलेंडर मिल, यार क्या बोल रहा हूँ, एक और मॉडल आता है जिसमें आपको सिंगल सीटर मिलती है। तो यार अब वो भाई ने इसलिए नहीं ली, क्योंकि फिर घर वालों को भी ले जाना पड़ता है कभी पठानकोट के। वैसे भाई ने तो R15 लेनी थी, पर वो क्या कहते घर वालों ने बोल दिया कि हमने भी बैठना है भाई, हमारा भी सोच थोड़ा, तो उस वजह से ही
उसने R15 कैंसिल कर दी और उसने यहाँ जावा पे शिफ्ट हो गया, तो सही है यार, दो बंदों के लिए तो बहुत सही है। बाकी पावर भी सही है यार उसके कंपैरिजन में, MT के कंपैरिजन में मेरे को काफ़ी सही लग रही है। मैं अपनी बाइक की आवाज़ का पीछा कर रहा हूँ मुझे पता नहीं चल रहा हूँ कहाँ जा रहा है यार। इसमें तो मन कर रहा है मैं लॉन्ग राइड पे चला जाऊँ, इतनी कंफर्टेबल है ना, जो स्पोर्ट्स बाइक वाले को ऐसी बाइक मिलती है ना जो कंफर्टेबल होती है, इतनी खुशी होती है ना यार। मेरी बाइक को कितनी आई कैचिंग है यार, मेरी बाइक को कितने लोग देख रहे हैं, हमें कोई देख नहीं रहा, वो एग्जॉस्ट लगाया शायद उसमें तो देख रहे हैं भाई, इधर तो कोई देख ही नहीं रहा। वो देखो तो भाई इसके बाद मैं शिफ्ट हो गया था अपनी बाइक पे और हम जा रहे थे घर। अमन दाली वाला MT15। वीडियो शूट कर रहा है? हाँ हाँ ऑन है। तो नंबर मिल सकता है? नंबर फिर ठीक है भाई, मिलते हैं। चैनल पूछ रहा था, जब उसने मेरा चैनल पूछा ना मैं चैनल डाला, मुझे लगा मेरे सब्सक्राइबर देख के वो बोलेगा खत्म, बाय बाय टाटा। पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। भूपेंद्र जोगी, वाह तो भाई ये क्राउड में वही बंदा था जो सबको गालियां देता हुआ जा रहा था, अब पता नहीं किस बात पे लड़ने लगा। वहां एक बंदा लड़ रहा है भाई, कहता है होरन मार होरन, वे होरन मारने से क्या हो जाएगा भाई, पूरा एब्यूज करते हुए जा रहा है सबको, कहता है इसको हॉर्न मार, इसको बोल बोल चल बहन चुत घुसा दे भाई। घर तो कभी मत आओ यार, ये बहन नए गांव में ना कभी मत आओ, चंडीगढ़ में रहते हैं ना जो आसपास, चंडीगढ़ के हैं जो पंजाब के हैं भाई, इधर कभी मत आओ, पहले बोल दूँ इस टाइम पे। क्या कह रहे हो? अरे भाई हैं, मैं तो भाई के घर से आ रहा था। हाँ हाँ तू कहाँ घूम रहे हैं यहाँ पे? पैराडॉक्स कितने बजे आएगा? क्या बात है सर, क्या बात, पता नहीं, देखते हैं चल मिलते हैं वहीं पे। भाई भाई मेरे को लगा पता नहीं कौन है, मैंने कहा किसने पूछना होगा चैनल के बारे में। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।